खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से, जहां बलिया जनपद में बर्बरता की हदें पार करती रशा थाने की पुलिस की काली करतूत सामने आई है, जहां पुलिस प्रताड़ना का शिकार हुई युवती ने वीडियो वायरल कर इसकी जानकारी दी है। वायरल वीडियो में युवती ने पुलिस पर पुलिस थाने में रखकर अश्लील बातें करने व प्रताड़ित करने व बयान बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद युवती पुलिस अभिरक्षा से गायब बताई जा रही है। आपको बता दें कि बातें दिनों जनपद के रशा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की युवती के परिजनों ने अपनी नाबालिग युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने का एक युवक पर आरोप लगाते हुए तहरीर पुलिस को सौंपे थे, जिसके आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके लगभग एक माह बाद 15 जुलाई को रशा थाने की पुलिस ने युवती को बरामद भी कर लिया और उनके परिजनों से मुलाकात भी करवाई। परिजनों का आरोप है कि रशा थाने की पुलिस ने मेडिकल का बहाना बनाकर युवती को बरामद करने के बाद 4 दिन तक थाने में रखा और पूछने पर टाल बटोल करती रही और थाने में युवती को लगातार प्रताड़ित करती रही। युवती ने वीडियो वायरल कर पुलिस पर ये आरोप लगाया कि पुलिस के जवानों ने उससे अश्लील बातें बोली, प्रताड़ित करते हुए लगातार बयान बदलने का दबाव बनाते रहे। वहीं परिजनों की माने तो पुलिस ने उन पर भी समझौता कर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया और 20 तारीख को युवती के परिजनों को यह सूचना दी गई कि युवती पुलिस की निगरानी से लापता हो गई। युवती के चाचा ने बताया कि पुलिस ने पहले तो ये कहा कि युवती थाने से गायब हो गई, फिर बाद में कहा कि मेडिकल के दौरान युवती पुलिस अभिरक्षा से गायब हो गई। वहीं आक्रोशित परिजनों ने युवती की बरामदगी के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल युवती पुलिस अभिरक्षा से गायब है। पूरे प्रकरण में बलिया के रशा थाने की पुलिस की भूमिका संदिग्ध देखी जा रही है। मैं 15 तारीख को पुलिस स्टेशन में आई थी और आज 17 तारीख हो गया। मुझे पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, गंदी गंदी बात बोलते हैं और जो लड़की रहती है वो झाड़ू पोछा सब करती है, मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि बयान तो हमेशा उल्टा देना, लड़के की तरफ से देना। मैं डॉक्टर मुस्ना बेगम सीएससी रशा हॉस्पिटल हूँ, लेडीज़ मेडिकल ऑफिसर हूँ, इस समय यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। मेरे यहाँ एक केस आया था 16 जुलाई को, श्रेया सिंह शाह मोहम्मदपुर से आई थी पुलिस के साथ, पुलिस रीना गुप्ता लेके आई थी, उनका मेडिकल चेकअप कर रही थी मैं। उसके दौरान रात में मुझे पता चला कि वो कहीं और फिर वापस चली गई, फरार हो गई किसी के साथ। मैं शाह मोहम्मदपुर थाना रसपड़ा का रहने वाला हूँ। आपके यहाँ एक लड़की को भगाने भगाने का मामला आया था, क्या रहा था पूरा मामला? मेरी भतीजी को पिछले महीने की 10 तारीख का मामला है कि बहला फुसला करके एक ओम प्रकाश राजभर नाम का लड़का लेके चला गया था। हम लोगों ने उसकी शिकायत की थी थाने पे। एक महीने बाद पुलिस द्वारा हमें सूचना दी गई 15 तारीख को कि लड़की को हमने बरामद कर लिया है और आइए उसका मेडिकल कराते हैं। उसके बाद बयान करा के मजिस्ट्रेट के पास लड़की से आपको मिलवाया गया था? जी, लड़की से मिलवाया गया था हमें और रोज 4 दिन तक 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक हम लोगों को ये सूचना देती रही गई कि मेडिकल कराने जा रहे हैं, आज करा के आज गवाही कराई जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, आज सारी चीजें कराई जाएंगी। 4 दिनों के बीच में लड़की कहाँ थी? लड़की थाने पे ही थी। लड़की थाने पे ही जी। आपको सुपुर्द नहीं कराया गया था? नहीं नहीं। क्या उम्र रही होगी लड़की की? लड़की सर 17, अभी उसने 10 का 11 वहाँ का पेपर दिया था, 16-17 साल उम्र रही होगी। 16-17 साल की उम्र रही होगी लड़की की। तो उसके बाद क्या हुआ आगे? उसके बाद 20 तारीख को सुबह हमें ये बताया गया, हम लोग लगातार थाने के बाहर ही खड़े थे। 20 तारीख को आपको? हम लोग लगातार थाने के बाहर ही 15 से खड़े थे। हम लोग को बताया गया 20 तारीख को सुबह की रात में लड़की कहीं थाने से चली गई है। फिर कुछ देर बाद हम लोगों ने अपने तरीके से खोजना वगैरह दबाव बनाना शुरू किया तो हम लोग को थाने अध्यक्ष महोदय ने बताया कि लड़की को मेडिकल कराने ले गए थे हम लोग, तब वहाँ से चली गई। फिर हम लोग एसपी के पास गए, हम लोगों ने शिकायत की, हम लोग को थाने में कोई नहीं सुना, तो एसपी ने संबंधित दरोगा को लाइन हाजिर किया और चेतावनी दी। हर जगह हम लोगों ने शिकायत की पर अभी तक लड़की की कोई सूचना नहीं मिली है। कोई सूचना नहीं मिली है। लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया? सर लड़की का वीडियो वायरल हुआ है वो तो सच्ची है, उसको 4 दिन रखा गया था, उसे प्रताड़ित किया गया, हम लोगों पर भी दबाव बनाया जा रहा था 5 दिनों में कि आप लोग सुलह कर लीजिए, आप मुकदमा वापस ले लीजिए, ये सारी चीज़ें, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको अश्लील बातें बोली गई, ये सारी बातें सच हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम पहली बात तो ये मांग कर रहे हैं कि हमारी लड़की वापस हो, कहीं उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो भी इसमें आरोपित हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें उचित न्यायिक सजा दी जाए। 20 तारीख को जब मैं थाने गई थी तो मेरी लड़की वहाँ थी। 20 तारीख को जब मैं वहाँ गई तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपकी लड़की
कहीं गायब हो गई है। हमको तो ये आशंका लग रही है कि मेरी लड़की की हत्या ना हो गई हो।